हेलो गाइस, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक टैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहां से डाउनलोड करके अपने वीडियोस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहां पे इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं आप उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, एंड इसके अलावा जो कॉपीराइट फ्री फुटेजेस होती हैं उनको आप कहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो वीडियो है वो भी मोनेटाइज रहेगा और कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा आपकी वीडियो के ऊपर, एंड ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3-4 प्लेटफॉर्म आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और साउंड इफ़ेक्ट आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, बट वहाँ पर एक कॉमेंट आया, किसी बंदे ने कॉमेंट किया कि सर आप हमारे को कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाइए, तो मैं उसकी वजह से ही ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करें, क्योंकि वीडियोस के अंदर ही सारी चीज़ें वो छुपी रहती हैं जो आपके डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है और मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, मैं पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पहला एपिसोड मैंने बना दिया, अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, और दूसरा भी बना दिया, ये तीसरा है। ठीक है, इसके बाद में भी मैं सीरीज़ यहाँ पर बनाता रहूँगा। ठीक है, ये कम्प्लीट कोर्स मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा कुछ बोलते हुए यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑडियो लाइब्रेरी आपके सामने आ गई है। यहाँ पे जितने भी साउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब कॉपीराइट फ्री हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे दो तरीके के साउंड मिलते हैं, दो तरीके के म्यूज़िक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको CC लिखा हुआ आता है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप इन म्यूज़िक को इस्तेमाल कीजिए और कोई भी क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे आप जो एट्रीब्यूशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है, और एक में होता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में क्या होता है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये चूज़ कर लिया है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ये वाला, देखिए CC। अगर मान लीजिए इस म्यूज़िक को आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं इसको। देखिए अगर आपको ये म्यूज़िक पसंद आ जाता है और आप अपने वीडियो के अंदर इस म्यूज़िक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये CC, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट 4.0। ठीक है, यहाँ पे आर्टिस्ट एंड सोर्स, तो हमें यहाँ पे करना क्या है यानी कि क्रेडिट देना है, जिसका ये म्यूज़िक है उसको हमें क्रेडिट देना है, एंड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखने वाली बात है आपको ये वाला कॉपी करना है बस यहाँ से। ठीक है, अगर इसको भी डाल देंगे वहाँ पे आप तो कोई दिक्कत नहीं है कॉपी करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे एंड अपने वीडियो के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप जितने भी म्यूज़िक देख रहे हैं ये सब कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हैं, बट इनमें यहाँ पे CC लिखा हुआ है, क्रिएटिव कॉमन्स, यहाँ पे आपको क्रेडिट देना है आर्टिस्ट को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लाइक जिनमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो दिखा देता हूँ, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे CC नहीं लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इन म्यूज़िक को आप इस्तेमाल कीजिए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा आपके वीडियो पे, और वीडियो भी मोनेटाइज रहेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यहीं से म्यूज़िक इस्तेमाल करता हूं, और यहां से आप देख सकते हैं यहां पे साउंड इफ़ेक्ट्स, अगर आप साउंड इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन यहां पे यूट्यूब ने रखा हुआ है, यहां से आप किसी भी तरीके का कोई भी कॉपीराइट
फ्री साउंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है और टाइटल वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, इनको आप डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है डाउनलोड, तो यहाँ से जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से म्यूज़िक आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और अपने वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। तो चलिए अब मैं कॉपीराइट फ्री इमेजेस बता देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त की चीज़ है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइट है pixabay.com, ठीक है। ये ओपन कर लेनी है आपको। ये ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए टैब्स में, ठीक है, ये अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ से मिलियंस ऑफ इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फ़ोटोज़ अगर आपको लेनी है तो यहाँ से फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इनको डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल फ्री है, कोई भी इमेजेस यहाँ से लेंगे तो बिल्कुल फ्री है, कॉपी राइट स्ट्राइक का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सब फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर क्रेडिट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे एनिमल का अगर पिक्चर्स इमेजेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तरीके के यहाँ पे एनिमल्स आ गए हैं और यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सर्च बार शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वीडियोस करूँगा तो वीडियोस आ जाएगी। यहाँ पे देखिए वीडियोस, अगर मुझे कोई फुटेज लेनी है, ठीक है, तो फुटेज बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं नेचर की ले जाता हूँ, ठीक है। कोई फुटेज मैं नेचर बैकग्राउंड की लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने तमाम तरीके की फुटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मैं प्ले करके भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए इस वाली को ले लेते हैं, ठीक है, ये 12 सेकंड की है और HD में है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसको प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर क्रेडिट आप दे देते हैं अपने वीडियो के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। 1920x1080 में डाउनलोड करना चाहते हैं या 720 में या 540 में, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे 720 में डाउनलोड कीजिए आप इसको, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी हो गई है। तो चलिए जी, यहाँ से मैंने आपको फुटेज बता दिया। जब आप इनको विज़िट करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। इसके बाद में एक और साइट में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग साइट है यार, मुझे तो पहले पता नहीं था बट अब मुझे पता चल गया, मैं सारी इमेजेस यहीं से लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आपको फ्री में दे रही है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा एक और साइट है जी, चलो दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइट है जी unsplace.com, इसको टाइप करेंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल्म लेना चाहते हैं तो फिल्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो साइट है unsplace, ये आपको लॉगिन कराने के लिए मांगती है, ठीक है। आप जो भी मान लीजिए अगर इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर फुटेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करने के लिए बोलेगी ये साइट, तो आप लॉगिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पर मैं यहाँ पर वॉलपेपर पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम तरीके के बैकग्राउंड और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे वॉलपेपर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे नेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड जितने इमेजेस हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, अलग अलग। और यहाँ पे इवेंट से रिलेटेड आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड करना चाहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। चलिए एक इमेज पे क्लिक कर लेते हैं इस वाली पे, और इसको डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ से देखिए डाउनलोड फ्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएगा, स्मॉल में करना चाहते हैं, मीडियम, लार्ज, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए इधर डाउनलोड भी हो गया है। तो चलिए जी हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ा बाहर, और ज़्यादातर आप यहीं से फुटेज एंड इमेजेस एंड म्यूज़िक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये तीन चार वेबसाइट हैं, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए जी मैं आपको एक और बता देता हूँ। नया टैब ओपन कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे एक साइट है जी, mixkit.co, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले फ्री एसेट्स फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, टेम्पलेट्स, यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं टेम्पलेट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये उससे भी अच्छा है, लास्ट जो प्रीवियस मैंने आपको साइट बताई है उससे भी ज़बरदस्त साइट है ये, ठीक है। यहाँ से आफ्टर इफेक्ट, यहाँ पे देखिए प्रीमियर प्रो, टेम्पलेट्स यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीमियर प्रो के लिए अगर डाउनलोड करना चाहते हैं टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री में रहते हैं और कुछ पेड में रहते हैं। अगर आपका बजट है तो आप पेड इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर नहीं बजट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिक्स किट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देख लेते हैं जी, फ़ोटोज़ पे अगर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे तमाम तरीके के फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ आ गई है, देखिए पीपल्स के लिए अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे वुमेन, मैन, गर्ल्स, फेस, कपल एंड चाइल्ड, वेडिंग के लिए देखना चाहते हैं, डाइट के लिए लेना चाहते हैं, या फिर लाइफ स्टाइल के लिए, यहाँ पर डांस के लिए आ जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग साइट है यार। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 3D लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 3D पे क्लिक करेंगे, देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए जी हम चलते हैं थोड़ा पीछे, और एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, बस एक बार इन पे आ जाइए साइट्स पे, आपको सब कुछ मसाला यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आप अपने वीडियोस के अंदर कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट एंड इमेजेस एंड फुटेज को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने वीडियोस को मोनेटाइज करवा सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई भी कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पे या आपके वीडियोस पे नहीं आएगा।